from up here, the world seems small. हेलो बच्चों, सो आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे रिवीजन करना है. सो रिवीजन के लिए सबसे पहले तो ये जानो कि रिवीजन क्यों करना है, है ना. कोई चीज किस लिए करनी है रिवीजन. तो अगर मैं तुमको बहुत ही फालतू तरह से आंसर दूं तो मैं बोल दूंगा कि भाई तुम्हारा टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा, ये वो, है ना, क्वेश्चन बन जाएंगे. मैं पॉइंट वाइज तुमको एग्जैक्ट रीजन बताता हूं कि रिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या है. ये कहानी स्टार्ट ऐसे होती है कि हम कोई चीज पढ़ते हैं, बड़ा मजा आता है, बड़ी आसान लगती है, और कोई टीचर पढ़ाता है तो क्वेश्चन बन जाते हैं. उस टाइम टॉपिक समझ में भी आ जाता है, उस टाइम प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिशन के या बोर्ड एग्जाम के सवाल भी हो जाते हैं. उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद थर्ड चैप्टर, उसके बाद कोई और चैप्टर. धीमे 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 एक सीरीज बनने लगती है. होता क्या है कि जो पिछली कहानियां थी, जो पिछले चैप्टर्स थे, वो दिमाग से गायब होते जाते हैं. आप बहुत दिन तक किसी दोस्त से ना मिलो तो धीमे धीमे उसकी मेमोरीज चली जाती हैं, है ना. वो तो जीता जागता इंसान है, और ये तो फिर पढ़ाई है, कागज पे लिखी बातें हैं, नोट्स हैं, जो किसी ने आपको समझाई है, वो भी बेमन से, आप तो नहीं जानना चाहते थे. तो बहुत जरूरी है कि उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करें, है ना. उस टाइम बात समझ में आ गई, पर पीछे जाके वो चीज अब भूली भी लग रही. दूसरी बात क्यों जरूरी है रिवीजन. मान लो मैंने चैप्टर वन में कोई कंसेप्ट पढ़ा, और बहुत चांसेस होते हैं कि वो कंसेप्ट चैप्टर थ्री, चैप्टर फोर, चैप्टर फाइव आगे भी लग रहा हो. मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैंने ये चीज बहुत बार देखी है कि पिछले कंसेप्ट आगे यूज होते हैं. अब होता क्या है कि पिछला एक कंसेप्ट हमारा नहीं समझ में आया था या नहीं याद आ रहा, तो हम सोचते हैं चलो उसको हटाओ, हम आगे पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं. होता क्या है, आगे की कॉन्सेप्ट भी अब उस कॉन्सेप्ट की वजह से वीक हो रहे हैं, है ना. एक छोटी सी बात है वहां पे पढ़ा हुआ है, उसको काश रिवाइज कर लेते तो आगे के चैप्टर्स भी अच्छे होते. नहीं, उसको भी बर्बाद कर रहे हैं पिछली गलती के चक्कर में. तीसरी बात मैं बताता हूं क्यों रिविजन जरूरी है, यह सबसे इंटरेस्टिंग है, यह है घबराहट. अब एग्जाम आने वाला है, आप घबराए हुए हो कि मेरा टॉपिक तैयार है भी कि नहीं, है ना, मैं इसका क्वेश्चन कर पाऊंगा कि नहीं. ये जो एंजाइटी है, एंजाइटी क्यों बनी है आपको, ये एंजाइटी क्यों बन गई आपको, ये एंजाइटी इसलिए बन गई क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि आपको टॉपिक तैयार है कि नहीं, है ना. तो एंजाइटी हटाने का एक ही तरीका है, देयर इज ओनली वन वे टू फाइट योर फियर, एंड दैट इज टू फेस इट, ब्रेव बन के. एक और बात है यार, रिवीजन क्यों करना चाहिए, कि मैं यही आपको समझा रहा हूं. रिवीजन इसलिए करो, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी, टॉपिक तैयार होगा, खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा. सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस. सेटिस्फैक्शन आ गया, हैप्पीनेस, खुशी होगी कि वो टाइम बर्बाद नहीं हुआ, वो टाइम खराब नहीं हुआ. वरना सोचो जितने दिन वो 100 क्वेश्चन किए थे, वो बुक्स पढ़ी थी, वो सारा टाइम वेस्ट हो गया. जब भी ऐसा लगे तो खुद से सोचो कि मतलब मैंने वो चीज स्टार्ट ही क्यों की, अगर वो आगे यूज नहीं होगी, क्या वो सारा टाइम खराब करना था मुझको, है ना. तो ये बात थी कि रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है. अब बात आती है कि रिवीजन कैसे करें, और उससे पहले मैं ये बात करता हूं कि रिवीजन स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि स्टार्ट करना बहुत टफ होता है. हमारा दिमाग बहुत ही लेथार्जिक, बहुत ही आलसी है, उसको लगता है अरे ठीक है, आता है, कल कर लेंगे इसको, एग्जाम के पास में कर लेंगे. तो डेफिनेटली एग्जाम से एक दिन पहले सारी चीजें रिवाइज नहीं होती, फिर बुरा लगता है यार ये तो अच्छे से पढ़ा था, बस रिवाइज नहीं कर पाए. हा, कौन सुनता है ये सब, कोई नहीं. तो स्टार्ट ऐसे करो कि अपना जो भी टॉपिक स्ट्रांग है, लोग उल्टा बोलते हैं, मैं कुछ और बताऊंगा, जो भी टॉपिक स्ट्रांग है पहले उसको रिवाइज करो. इससे क्या होगा, आप एक शेड्यूल में आओगे, एक आप लय बनेगी आपकी रिवाइज करने की, एक आपका रिदम बनेगा रिवाइज करने का, है ना. अपना कोई भी टाइम चूज कर लो, उस टाइम बैठो और अपना स्ट्रांग टॉपिक रिवाइज करो स्टार्टिंग में, है ना. उसके नोट्स बनाने भी सब बताऊंगा क्या करना है, पर पहले अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो पहले से अच्छे से तैयार है उन्हीं को रिवाइज करो. इससे आपको रिवीजन का बेनिफिट समझ में आएगा. जो स्ट्रॉन्ग था वो एकदम महा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एकदम मुट्ठी में आ जाएगा टॉपिक, ये तो आ गया. तब आपको फील होगा कि हाँ रिवीजन इंपॉर्टेंट था. जो स्ट्रॉन्ग था उसमें भी कई चीजें नहीं मिल गई, तो जो वीक है और उसमें तो क्या मजा आएगा रिवीजन का. लाइफ बदल जाती है रिवीजन से. दिस इज द वन बिग मिस्टेक दैट यू ऑल आर डूइंग. We all did. मेरे सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते थे. मैं हमेशा बोलता था कि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे करें, रिविजन करने का तरीका क्या, ऐसा ना हो पूरा समय रिविजन नहीं चला गया, नए टॉपिक नहीं पढ़ पा रहे. सबसे पहले बात करते हैं कि रिविजन का टाइम क्या होना चाहिए. तो मेरा जो कहना है वो आपकी अर्ली मॉर्निंग का टाइम नहीं होना चाहिए. अब बाई अर्ली मॉर्निंग आई मीन आपका प्राइम टाइम ना हो,
जो भी आपका प्राइम टाइम है पढ़ाई का, मान लो आप स्कूल गए, फिर कोचिंग गए, फिर शाम को घर आए, आपका जो मेन टाइम है पढ़ाई का, मान लो 6 बजे से स्टार्ट होता है या 4 बजे से स्टार्ट होता है, तो उसको वेस्ट मत करो रिविजन में। होता क्या, अगर प्राइम टाइम रिविजन में दोगे तो दिमाग एकदम उसी में घुस जाएगा, पूरा थक जाएगा, फिर नए टॉपिक को पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर नुकसान होगा। तो पहले आप अपने जो टॉपिक्स चल रहे हैं कोचिंग में, स्कूल में, आपके जो भी आपका चल रहा है, पहले उसको करो। रिवीजन को कभी भी अपना प्राइम टाइम मत देना। एग्जाम्स पास में है तो ठीक है, कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, 2 हफ्ते में एग्जाम है ना, तब ठीक है। अदरवाइज प्राइम टाइम उसको नहीं दे सकते, उसको प्रायोरिटी के थोड़ा नीचे का टाइम देना है, पर फिक्स टाइम देना है। आई रिपीट, फिक्स टाइम देना है। इससे क्या होगा, इससे आपके दिमाग में सिग्नल चलते रहेंगे रोज की इस टाइम मुझको पुरानी चीजें मिलने वाली है, एक एक्साइटमेंट बना रहेगा, आज यार वो चैप्टर नंबर 3 की चीजें सारी क्लियर हो जाएगी शाम को, ठीक। फिर दूसरी बात ये है कि जब रिवीजन करो तो डोंट ओवरडू थ्योरी पोर्शन। ओवरडू मत कर दो कि उसी थ्योरी को फिर से पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं, फिर दूसरी किताब से पढ़ रहे हैं, फिर तीसरी किताब से पढ़ रहे हैं। यार एक टॉपिक के लिए ना 10,000 किताबें होंगी, तुम सोचोगे रिवीजन करते वक्त हम एक और किताब कवर कर लेंगे, फिर एक और किताब कवर कर लेंगे, कुछ होगा नहीं। आप उसी बात को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कहानियों से समझ रहे होंगे, क्वेश्चन अभी भी नहीं बनेंगे। सो द बेटर थिंग, एक बार जल्दी से उसको देखो, जहां पे कंफ्यूजन था उस पे फिर से ध्यान दो, जो चीज आती है उसी पे बैठ गए, अरे वाह ये तो मजा आ गया, मुझे आता है, ये नहीं करना। जहां पे पता था कि ये वाला डेरिवेशन या ये वाली केमिकल इक्वेशन या ये वाले तरह के न्यूमेरिकल नहीं बनते, उनको पकड़ो, फिर उठा लो न्यूमेरिकल सेक्शन। अब मेरा फिजिक्स है, केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल या क्वेश्चन प्रैक्टिस, पहले 1-2 आसान क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जो एकदम आते, एकदम हलवा वाले, एकदम स्टार्टिंग के 1-2, उसके बाद सीधा जंप मारो वो गोले वाले क्वेश्चन पे। अपन करते हैं ना, जब पहली बार कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो गोला लगाते हैं, उन गोले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओए होए होए क्या मजा आता है। अब क्या होगा ना, तुम आगे के 5-6 चैप्टर्स पढ़ के आए हो तो उस गोले वाले क्वेश्चन में हो सकता हो कहीं आगे के चैप्टर्स की लॉजिक लग रही हो, वो अब सॉल्व हो जाएगा। एक और बात है, क्या होता है ना कि जब आप 6-7 चैप्टर 8 चैप्टर पढ़ चुके रहते हो तो एक क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक भी आपको आ जाती है, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, हो सकता है उसके अंदर कोई दूसरे तरह का लॉजिक लग रहा हो जो अभी तक सोच नहीं पा रहे थे। अब इतने ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए कि आपका दिमाग भी खुल गया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सर्किल बना क्वेश्चन अब सॉल्व होगा। और अगर अब नहीं होता है तो और अच्छी बात है, अब आप जाओ उस क्वेश्चन का कंसेप्ट पढ़ो, उस क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ो। ये तरीका है रिवीजन का, ये नहीं कि वही थ्योरी रिपीट कर करके बार बार पढ़ रहे, अच्छा ठीक है ये तो आता था, वाह 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 ये तो सुंदर सा डायग्राम, चलो इसको बना के, नहीं ये नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। अब जब इस टाइम रिवीजन किया ना, जैसे मान लो 1 चैप्टर आपने उठाया, शेड्यूल होना चाहिए इसका, ये नहीं कि कभी भी उठा लिया, शेड्यूल, शुरुआत में अपना स्ट्रॉन्ग वाला चैप्टर किया, उससे कॉन्फिडेंस बन गया कि हाँ रिवीजन हम कर सकते हैं और मजेदार चीज है, वर्थ है मेरे टाइम की। उसके बाद ना एक शेड्यूल बनाओ कि रोज मुझे इस टाइम रिवीजन करना है तो करना है तो करना है। एक प्लान बना लो अपना 1 मंथ का या 1 हफ्ते का, छोटा प्लान बनाओ कि 1 हफ्ते में इतने टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, उसको मैं इतने इतने दिन में करूंगा। अच्छा इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है, जब प्लान बनाना ना तो बच्चों कम से कम हफ्ते में 2 दिन खाली छोड़ देना। जैसे मान लो आपने बनाया कि मैं स्टार्टिंग का 2 चैप्टर इस 1 वीक में रिवाइज करूंगा रोज थोड़ा थोड़ा करके, तो उसमें 2 दिन वीक के खाली छोड़ देना प्लानिंग में। होगा क्या, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, आपको पता चलेगा कि चैप्टर 1 में या चैप्टर 2 में कोई एक पॉइंट आपको एकदम नहीं समझ में आया था और वो रिवीजन के लायक नहीं है, वो तो पूरा फिर से स्टडी करने के लायक है। तो उसके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलो और अपने टाइम शेड्यूल में उसको खत्म भी करना है। 2 दिन अपने बचा के रखो कि मान लो कोई टॉपिक एकदम ही नहीं क्लियर था पिछली बार, तो उसके लिए पूरा दिन देना पड़ेगा या पूरा टाइम देना पड़ेगा उसको, तो उसके लिए अपने शेड्यूल में इसकी जगह रखो, है ना। पर प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग, पेपर उठाओ, कॉपी उठाओ, लिखना स्टार्ट करो, बुक खोलो, चैप्टर 1 का ये बाकी है, चैप्टर 2 बाकी है, चैप्टर 3, इतने से इतने दिन ये करूंगा, इतने से इतने दिन ये करूंगा, इतने से करना भी है, सिर्फ लिखना नहीं है, ये नहीं पेपर पे लिख दिया हो गया। अरे आग हूं मैं, अपने अंदर आग लाओ, करना है वो चीज, लिख के नहीं छोड़नी है, चिपका दो अपनी दीवार पे, अपने घर की दीवार पे, अपने अपने डेस्क पे, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे, अपनी व्हाट्सएप का जो वॉलपेपर होता है, अपनी फेसबुक पे पोस्ट कर दो, एकदम डेडिकेट हो जाओ कि मुझे करना है, आग हूं मैं, फायर है मेरे अंदर, मुझे करना है, ये होना चाहिए। वरना शेड्यूल नहीं फॉलो होगा तो रिवीजन ना बहुत ही आलस लाने वाली चीज होती है, लगता है तो पढ़ चुके हैं फिर कभी कर लेंगे, अरे नहीं यार अभी करो,
तभी तो सेटिस्फैक्शन होगा कि वो समय बर्बाद नहीं था, ये टॉपिक अब क्लियर हुआ। मुट्ठी में मेरे आगू में इसको किसी के मुंह पे मार दूंगा पूरा टॉपिक, मर जाएगा सामने वाला, ये फीलिंग होनी चाहिए अंदर। अच्छा, अब मान लो एक चैप्टर रिवाइज हो गया एक हफ्ते में, या दो चैप्टर हो गए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस पर मैं जज ही नहीं कर सकता। भाई आपकी तैयारी क्या है, आप कितने तेजी से पढ़ते हो, आपकी स्पीड क्या है, आपका वो टॉपिक कितना तैयार है, है ना, वो आपको अपनी प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी। मैंने देखो कहीं भी ये नहीं बताया कि किस तरह से कैसे बनाओ, नहीं, एक तरीका बता रहा हूं, अंदर की प्लानिंग तो आपकी है ना। आई कैन जस्ट शो यू द पाथ, यू हैव टू वॉक फॉर योर ओन सेल्फ, खुद चलना पड़ेगा। तो जैसे मान लो अब एक ये बता रहे करना है, कैसे करना है आप सोचना। मान लो एक हफ्ते में आपने दो चैप्टर्स कंप्लीट किया, एक चैप्टर मान लो तीन दिन या चार दिन में कंप्लीट हुआ, जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो अब उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। वाह क्या मक्खन नोट्स बनने वाले हैं। मान लो उस चैप्टर के पूरे नोट्स थे 30 पेजेस में, आपको उस 30 पेजेस को 3-4 पेजेस में समराइज करना है, क्या हो उसमें, ये मैं बनवाता था बच्चों से, और उसको सुंदर बनाना, उसको सुंदर, अरे सुंदर चीजें ज्यादा अच्छी लगती है यार, लेट्स एक्सेप्ट दैट फैक्ट, सुंदर बनाना। कि तीन पेज की मैंने एक रिविजन शीट बनाई, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, फॉर्मूले के अंदर के फॉर्मूले, समझे क्या, जो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगते हैं फॉर्मूले, जो शॉर्ट ट्रिक्स लगती हैं वो लिख लिया। केमिस्ट्री की बात की तो हमने, मान लो ऑर्गेनिक की बात करो, फिजिकल, अब मैं अपने टॉपिक में ही तो समझा पाऊंगा ना, ऑर्गेनिक की बात करो तो ऑर्गेनिक में मान लो कोई कंसेप्ट है कि यहां पे भी मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, बाकी जगह इस कंडीशन में नहीं, एक्सेप्शन है कोई, उसको जरूर लिखा। इंपॉर्टेंट बातें भी, सिर्फ ऐसा नहीं कि फॉर्मूले लिख दिए उठा के, इंपॉर्टेंट कुछ स्पेशल क्वेश्चन, कुछ स्पेशल रिजल्ट नहीं होते कि इस तरह क्वेश्चन का ये आंसर आएगा, इस तरह क्वेश्चन का, उसको लिख लिया। तीन पेज के अंदर आपको सारी बातें लिखनी है और घुसाना नहीं है। जब मैंने कोचिंग में ये चीज कही बच्चों से कि तीन पेज में करना है, मैंने एक ये टास्क दिया था सब बच्चों को कि सब बना के लाओ इस चैप्टर, तुम इस चैप्टर का, तुम इस चैप्टर का, तो कुछ बच्चों ने यह किया कि तीन पेज में एकदम घुसा दिया, ऐसा नहीं, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। अनइंपॉर्टेंट चीज को उसमें मेंशन नहीं करना है। अच्छा, वो चीज वर्थ बनी है कि नहीं, बना लो अपने स्कूल टीचर के पास, कोचिंग के टीचर के पास जाके उसको दिखा दो। देखो कितना भी खराब टीचर हो, लेट मी से दिस, टीचर कोई खराब नहीं होता, वैसे मैं दिल से मानता हूँ ये, हर इंसान अपना एफर्ट कर रहा है, कि कोई बच्चा किसी से प्यार हो जाता है, किसी बच्चे को किसी और टीचर से प्यार, फिर भी मान लो टॉपिक वाइज वो टीचर थोड़ा सा लो है, फिर भी वो यार इतना एक्सपीरियंस है ना, ये तो बता देगा इसमें से क्या छूट गया तुम्हारा, कि ये टॉपिक भी इंक्लूड कर लो बेटा, है ना, इसमें ये भी डाल दो, तो तीन की जगह चार पेज हो जाएंगे यार, बस इतना ही तो होगा, 40-30 पेज की चीज चार पेज में आ गई। अब ये तुम्हारे एकदम खतरनाक नोट्स बने, ये नोट्स भी अपने आप से कह रहे हैं आग हूं मैं आग हूं, ये चार पेज आग हैं, एग्जाम से तीन दिन पहले इसको पढ़ा, एकदम जम मार देंगे। तो ये नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। तो ये तरीके थे रिवाइज करने के, और रिविजन के पूरे प्रोसेस में जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है और मैं जो अपने स्टूडेंट्स को देखा फेस करते हुए, वो होती है एंजाइटी। सबसे ज्यादा एंजाइटी या घबराहट रिवाइज करते वक्त होती है, भूल गए ये, भूल गए, अरे ये तो आ ही नहीं रहा है, हाँ इतना ढेर सारा बच्चा है, सब बेकार हो गया। इट इज अ थॉट एंड इट विल बी अ थॉट, तुमको अकेले नहीं आता, सबको आता है, जो ऊपर जा रहा है, जो काम कर रहा है, सबको घबराहट हो रही है, उससे लड़ना पड़ेगा। इट इज अ थॉट, इट विल बी अ थॉट, एंजाइटी सिर्फ एक थॉट है, एंजाइटी रियलिटी में नहीं होती है ही नहीं, वो इट इज अ थॉट, वो एक थॉट है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे, तो हम भूल जा रहे हैं, ये वाला कैसे, इट इज अ थॉट, वो हुआ नहीं है, जब होगा तब तो मरना है ही, तो अभी से सोच सोच के क्यों मर रहे हो उस पर, क्या पता जब हो तो एक प्रॉबिलिटी है मैथ्स की कि अच्छा हो, एक प्रॉबिलिटी है बुरा हो, तो अगर बुरा होगा तब भी मरोगे, उसको सोच सोच के अभी का समय बर्बाद नहीं, अभी कर्म करो, अभी कर्म करो, अपना टेंशन मत लो। So anxiety is a thought and it will always be a thought, ये बात पकड़ लो। So मैंने आज बताने की कोशिश करी कि भाई revision आप नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ा mistake कर रहे हो, तो revision start करें, अपना जो बातें मैंने बताई उनको follow करें, revision क्यों करें समझाया, कैसे start करें, अपने आसान topic से, फिर अपने schedule हो, plan हो, paper में लिख लो कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, अपना प्राइम टाइम उसको मत दो, नोट्स बनाओ उसके बाद, इवन टेस्ट दो, सबसे बेटर जब आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाए उस चैप्टर का टेस्ट दे दो, है ना, ऑनलाइन टेस्ट इनरोल कर लो, या कोचिंग में जाते हो तो कोचिंग में टेस्ट तो खैर उनके अकॉर्डिंग होते हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हो, अपना चैप्टर टेस्ट अपने बुक के पीछे से उठा लो, कहीं से उठा लिए उसके 10 क्वेश्चन, उसको टाइम लिमिट में सॉल्व करो,
तब आपको रियलिटी में समझ में आएगा कि सही में टॉपिक आता भी था कि मैं हवा में उड़ रहा था, मुझे चैप्टर बनाता है ना। मैंने एक वीडियो में भी कुछ दिन पहले बोला था, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग अ थिंग एंड बिटवीन फीलिंग अ थिंग। की चीज को अंडरस्टैंड करना और उसको फील करना बहुत बड़ा डिफरेंस है। अंडरस्टैंडिंग मतलब नॉलेज है, उसके बारे में पता है, ठीक है। फील मतलब वो चीज फील है दिल में, वो चीज आती है। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ नॉलेज, सिर्फ इंफॉर्मेशन, हाँ ठीक है ऐसे होगा, जब करेंगे तो ऐसे। जैसे मैंने समझाया भी था कि मैं आपसे बोलूं कि कैरम बोर्ड ऐसे खेलते हैं कि कैरम में ये इतनी यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, इस तरफ मारने से इतने पॉइंट्स मिलते हैं, इस एंगल पे मारोगे तो ये होता है, कैलकुलेशन करके बताऊं ऐसे ऐसे कर लो तो हो जाएगा, आप बोलोगे ठीक है। फिर मैं आपको बैठा दूं एकदम कैरम बोर्ड के कॉम्पिटिशन में, जीतोगे? अगर आपने फील नहीं लिया, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ली, फील मतलब एक्सपीरियंस, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया, आपने किया नहीं है, कैरम खेला नहीं है खुद से, मास्टर खुद बनना पड़ेगा। अगर आपने रिपीटेडली कैरम नहीं खेला तो आप जीत नहीं पाओगे। एक बार खेल के कोई नहीं जीतता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड आई ऑलवेज से ऑफकोर्स वुमेन टू। सो ये प्रैक्टिस ही तो है लैंग्वेजन। अंडरस्टैंडिंग पहली बार में आ गई थी, फील के लिए उसको 2-3 बार चाहिए। फील, टॉपिक फील में है। किसी को बैठा के मैं टॉपिक मुंह पे मार सकता हूं उसको कि ये है टॉपिक। मैं रट के नहीं बैठा हूं, मैं छुप के नहीं, हाँ बस हाँ ठीक है आता ऊपर से, और डर लग रहा है अंदर अंदर कि मुझे आता नहीं है। ये तब तक रहेगा जब तक रिवीजन नहीं होगा। सो इसी सोच के साथ आपको मैं अपनी सारी गुड विशेस देता हूं, मेरी सारी प्रेयर्स आप लोग के साथ हैं, और आप हैं तो हम हैं। सो एक और लास्ट चीज, आप लोग की ब्लेसिंग से फाइनली आ चैनल गॉट दिस। दिस इज अ सिल्वर प्ले बटन जो YouTube देता है किसी भी चैनल को, वो क्रॉसेस 1 लाख सब्सक्राइबर, जो कि हमारे काफी पहले क्रॉस हो गए थे। तो चलिए, ये इसलिए शेयर किया, मुझे बहुत खुशी थी कि यार देखो किसी को भी खुशी होती है इफ यू मेक दिस थिंग। आई होप आप भी उतने खुश होंगे। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।